फ्रेंड्स, मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, टेगा इंडस्ट्री का आईपीओ आया हुआ है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, कंपनी की हाईलाइट्स क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया है या कुछ लॉस किया है, रेवेन्यू इनकम कितनी है कंपनी की, कंपनी की जो बेसिक स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कंपनी के अंदर रिस्क क्या हो सकते हैं फ्यूचर में उनके बारे में बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैं कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है और जो रिस्क है, इन तीनों चारों चीज़ों पे हम बात करेंगे और मेरा ओपिनियन क्या होगा। मैं वीडियो के दौरान ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ इन फ्यूचर नोटिफिकेशन आता रहे। देखिए, टेगा इंडस्ट्री का मिनिमम क्वांटिटी जो रखी है पर लॉट वो 33 की रखी हुई है, लोअर बैंड जो है 433 का रखा है, 453 का रखा हुआ है। देखिए, इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली जो आईपीओ लगाते हैं लोग वो क्या गलती करते हैं, उनको आईपीओ नहीं लगता है तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी मैं इस वीडियो के दौरान बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आईपीओ को लगाना है ताकि आपको मैक्सिमम चांसेस हो कि आपका आईपीओ लग जाए। देखिए, टेगा इंडस्ट्री का जो आईपीओ है वो स्टार्ट हो रहा है आज से, दैट इज़ 1 दिसंबर। एप्लीकेशन 3 दिन रन रहेगी, 3 दिसंबर तक चालू है। अलॉटमेंट्स जो हैं वो 8 दिसंबर को आ जाएंगे और रिफंड ऑफ अमाउंट जो है आपका वो 9 दिसंबर को आ जाएगा। अलॉटमेंट 10 दिसंबर है और लिस्टिंग जो होगी कंपनी की वो 13 तारीख को होने वाली है, 13 दिसंबर को होने वाली है। देखिए, कंपनी की हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1976 के अंदर जो है, ठीक है, 1976 में कंपनी बनी थी। टेगा इंडस्ट्री जो है ये बेसिकली मिनरल ओर प्रोसेसिंग में काम करती है। मिनरल ओर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली कॉपर है या आयरन है, जो ये ज़मीन से उसका मिनरलाइजेशन करते हैं, तो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो प्रोसेसिंग का काम करती है, जो यूनिट्स होती हैं, जो बेल्ट्स होती हैं, उन सारी कंपनियों को, उन सारी चीज़ों को ये कंपनी बनाती है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इंडिया के अंदर 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इसका है, दूसरा ये चाइना के अंदर है, सॉरी चिली के अंदर है, देन साउथ अफ्रीका में है, देन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो वर्ल्ड के अंदर की भी इसका काफ़ी अच्छा पहुंच है और रीच है। तो बेसिकली इसके पास सिर्फ इंडिया के अंदर ही मार्केट नहीं है, वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ के अंदर इसका मार्केट है और काफ़ी जगह पे ये जो अपने प्रोडक्ट्स है वो पहुंचाती है। देखिए, कंपनी की की लाइट्स की हम बात कर लेते हैं तो की लाइट्स में टेगा इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरर है, स्पेशलाइज्ड है मीनिंग इक्विपमेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन से आपको पत्थर निकालना है, आयरन निकालना है, कॉपर निकालना है या एल्यूमिनियम निकालना है, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वर्ल्ड के अंदर उसमें इसका 70% का हिस्सा है। जितने भी जो प्रोडक्ट्स इन चीज़ों को प्रोसेसिंग करने में यूज़ होते हैं, जो मशीनरी यूज़ होती है, वो सारी ये कंपनी बनाती है और वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर ये देती है। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो मोर देन 55 सच मिनरल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स का है। मतलब कि अगर एक सपोज़ करिए एक पत्थर या एल्यूमिनियम या कोर हमको निकालना है अर्थ से, तो उसके अंदर जो मशीनरी यूज़ होगी उसमें से 55 मशीनरीज ही कंपनी से आती हैं। ये कंपनी जो है प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, इस कंपनी का रीच बहुत अच्छी है ग्लोबली। आप देखेंगे कि 2020 के अंदर इट हैज़ 5% मार्केट शेयर इन द ओवर ग्लोबल मिलेनियर मार्केट, अप फ्रॉम 3% इन 2018। और फाइनेंशियल 2021 के अंदर 86% ऑफ रिवेन्यू, 86% ये फिगर याद रखिएगा, 86% ऑफ रिवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है इस कंपनी का जो है, तो एक बड़ी बात है। और कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं, जो जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर जो देखी है, कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स के रिवेन्यू की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए आप, 633 का रिवेन्यू इसके अंदर रहा फाइनेंशियल 19 के अंदर, फाइनेंशियल 20 के अंदर 684 का रिवेन्यू है, देन फाइनेंशियल जो करंट फाइनेंशियल ईयर 21 का जो लास्ट गया है दैट इज 805 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंटिन्यू इंक्रीज में है, ठीक है, 65.5 है, यहाँ पे भी कंटिन्यू इंक्रीज में है। तो ऑलरेडी कंपनी बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे है, रिवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर रही है और ये कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का वो भी हम आगे देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है,
सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस कंपनी की ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में, जो माइनिंग में जो इक्विपमेंट लग रहे हैं, वो इक्विपमेंट 75% जो ये कंपनी बनाती है उसका 75% रीयूजेबल है, रिप्लेसमेंट है। मतलब एक मशीनरी अगर काम करती है तो कुछ समय के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिपीटेशन में ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी के लिए रिवेन्यू जनरेट होता है। 60% ऑफ द रिवेन्यू कम्स फ्रॉम द गोल्ड एंड कॉपर ओर प्रोसेसिंग। गोल्ड और कॉपर के प्रोसेसिंग से 60% का रेवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी का। हाई क्लाइंट इसका नेटवर्क है, का जो टोटल आप देखें वर्ल्ड के अंदर तो इसका क्लाइंट नेटवर्क बहुत बड़ा है। टेगा इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर्स ग्लोबली विद ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ अराउंड 28%। देखिए जो बाजार में ये इक्विपमेंट लेके आ रही है और उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उस पैसे से ऑलमोस्ट 28% का, सपोज करिए कि 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचती है तो उसमें 28 रुपये का सीधा सीधा इसके पास प्रॉफिट है मार्जिन का। तो इसके लिए ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ निकल के आती है। कंपनी में कुछ रिस्क हैं, उन पे बात कर लेते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं। देखिए प्रेजेंस जो है कंपनी की वो अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर है, तो हमेशा एक करेंसी फ्लैक्चुएशन का रिस्क बना रहता है। डॉलर और INR का जो फ्लैक्चुएशंस हैं उसकी वजह से कंपनी को कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोनों तरफ वो एक रिस्क भी फैक्टर भी काम करेगा और कंपनी के लिए अच्छा भी काम करेगा। सेकंड है फेलियर टू मैनेज इट्स वास्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कुड हैम्पर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, लॉस ऑफ ए लॉन्ग टर्म मार्क्यू कस्टमर्स में रिजल्ट इन लॉस ऑफ बिजनेस इन एन इंडस्ट्री विच हैज़ हाई एंट्री बैरियर्स। देखिए इस रिस्क, इसमें क्या है कि आप अगर नए प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं तो ऑलरेडी जो कंपनियां इस बिजनेस के अंदर हैं तो वहाँ पे एक एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो इनके इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। सपोज़ करिए ओर माइनिंग में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी इक्विपमेंट होंगे, जो भी मशीनरी होगी वो बहुत बड़े लेवल की होती है, तो वहाँ पे इतना ईजी नहीं होता है किसी नए प्लेयर का आना। और ये भी अगर कोई दूसरे इसी इक्विपमेंट में या इंक्रीमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर और उसमें नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वहाँ इतना ईजी नहीं होता है कि एक नया प्रोडक्ट वो लेके आए, तो ये इसके लिए एक रिस्क हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है कंपनी की वो बात कर लेते हैं। जो मुझे सबसे अच्छी लगती है अपॉर्चुनिटीज वो ये है कि गोल्ड और कॉपर जो प्रोसेसिंग है वो हर साल 6% के CAGR से बढ़ता है और हर साल 3 बिलियन ओवर द नेक्स्ट ईयर बढ़ने वाला है। तो इस कंपनी के पास कहीं ना कहीं एक 6% का तो ग्रोथ सामने रखा ही हुआ है जो इसको गोल्ड और कॉपर के प्रोसेसिंग से मिलने वाला है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसकी जो लोकेशंस है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की साइट्स की जो लोकेशंस है वो बहुत ही अच्छी जगह पे हैं, जहाँ पे ग्लोबली इसको ट्रांसपोर्ट करने में इशू नहीं आता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसके आसपास की कंट्री वहाँ से कवर हो जाती हैं, अफ्रीका की बात करें तो चिली से कवर हो जाती हैं, इंडिया से आप एशिया को कवर कर सकते हैं। तो इसकी जो लोकेशंस हैं, जो मशीनरी की लोकेशंस है जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है वो बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे है। इंटरेस्टिंगली डिक्लाइनिंग ग्रेड ऑफ कॉपर और रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग मटेरियल, क्योंकि कॉपर की जितनी ज़रूरत होती है, आप देखिए वायरिंग में आप कॉपर यूज़ करते हैं, आपके मोबाइल डिवाइसेस में कॉपर यूज़ होता है, आपके लैपटॉप्स में कॉपर यूज़ होता है, तो कॉपर की जो सबसे ज़्यादा एक क्वालिटी है उसको निकालने के लिए आपको हैवी मशीनरी चाहिए, और हैवी मशीनरी आपको ग्लोबली कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेगा इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है। मेरा ओपिनियन ये है इस कंपनी के लिए कि आपको ये IPO लगाना ही लगाना चाहिए। कुछ जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता जो 99% ट्रेडर्स गलती करते हैं IPO लगाते वक्त, आपको यह ध्यान रखना है कि IPO लगाते वक्त हमेशा हायर प्राइस पर लगाना है, हायर ब्रांड पर लगाना है। तो हायर ब्रांड पर जब आप लगाएंगे तो आपको चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे, लोअर ब्रांड को आपको चूज नहीं करना है, आपको हायर ब्रांड पर ही जब आप लगाते हैं तो हायर ब्रांड पर ही आपको IPO लगाना है। और ध्यान रखना है हर एक छोटी छोटी चीजों का, बारीकियों का, आपके वही अकाउंट से, आप अगर UPI के थ्रू कर रहे हैं तो आपको वही अकाउंट का UPI ID देना है जिससे आपका पैसा कटना है। ऐसा नहीं है कि आपने डीमैट अकाउंट के अंदर कोई दूसरा अकाउंट दिया है और जब आप UPI से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें दूसरे अकाउंट से आप UPI ID डाल रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका जो डीमैट अकाउंट के अंदर आपने अकाउंट को लिंक किया हुआ है उसी अकाउंट के थ्रू आपको IPO लगाना है, और IPO की जो हायर बैंड है उस पर ही आपको अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन इतनी अच्छी वीडियो के आते रहें, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।